तो दोस्तों सब्सक्राइब करो फरियाज रिएक्शन को और घंटे को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिलते रहे हर अपडेट हमारी नई वीडियो। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं फरियाज रिएक्शन। टेक न्यूज़ एपिसोड 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ आपको यहाँ मिलेगी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आया हूँ, तो देखने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला अपडेट हमारा निकल के आ रहा है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का गैलेक्सी S9 और S9 प्लस में पहला सिक्योरिटी अपडेट आ गया है। मतलब उस फ़ोन का पहला अपडेट आ गया है जो आपका अब सारे जो भी पैचेज है वो सब फिक्स कर देगा। उसमें मार्च का ये अपडेट है, तो S9 और S9 प्लस के लिए पहला अपडेट आ गया। अगर आपके पास है तो आप अपडेट कर लीजिए उस फ़ोन को। दोस्तों दूसरा अपडेट जो हमारा निकल के आ रहा है वीवो की तरफ से। वीवो का V9 का डिज़ाइन डिटेल सारी लीक हो गई है। एक इमेज आप ये देख रहे होंगे, ये इमेज भी उसमें लीक हो गई है। वीवो का ये पहला फ़ोन होगा जिसमें आईफोन की तरह नॉच होगी। इसमें 27 मार्च को रिलीज़ हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें फ्रंट कैमरा जो होगा वो 24 मेगापिक्सल का होगा। प्राइस की बात करें तो 25,000 से कम का ही इसका प्राइस होगा, होप करते हैं कि कम ही हो। तो दोस्तों तीसरा अपडेट जो हमारा निकल के आ रहा है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो का F7 की डिटेल्स फ़ोन लीक हो गया। ये फोटो आप देख सकते हैं, ओप्पो ने ट्विटर पर आज शो करा है, सारा अनाउंसमेंट वहीं पर करा। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं एक किसी इंडियन क्रिकेटर ने उसको पकड़ा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है गेस द क्रिकेट। तो फोटो में आप देख सकते हैं गेस करना है कि कौन है। फिलहाल F7 के बारे में इतनी खास डिटेल नहीं है, लेकिन आईफोन X की तरह अगर नॉच का डिस्प्ले आएगा इसका ये पता चल गया और फोटो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चौथा अपडेट जो निकल के आ रहा है बोस की तरफ से। बोस का AR ग्लासेस रिलीज हो गए। एक प्रोटोटाइप उन्होंने दिखाया है, बेसिकली रिलीज नहीं हुआ है, प्रोटोटाइप दिखाया है। लेकिन इसमें आपको कोई भी विजुअल लेंसेज कैमरा विजुअल के लिए नहीं है, ये सिर्फ साउंड के लिए उन्होंने डिज़ाइन करा है और वो ही लॉन्च करेंगे। कमाल की बात है, कोई कैमरा नहीं, कोई लेंस नहीं, बाकी सब लोग विजुअल ग्लासेस निकालते हैं, इन्होंने सीधा साउंड के लिए निकाल दिया। तो पांचवा अपडेट जो आ रहा है Xiaomi की तरफ से, बेसिकली बहुत अच्छा अपडेट है। Xiaomi का Redmi 5 जो शुरू होगा सेल होना, वो आपको इस बार Flipkart पे नहीं, Amazon पे मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, Flipkart पे बड़ी परेशानी होती है, आप कार्ट में भी डालोगे तब भी वो उड़ जाता है, तो फ़ायदा क्या हुआ कार्ट में डाल देगा। तो अब आपको Amazon मिलेगा और Amazon पे शायद 15 मिनट तक आप अगर कार्ट में डालते हो तो रहता है, तो आसानी रहेगी बुक करने के लिए। बाकी MI.com और MI Homes पे भी स्टोर पे ही अवेलेबल होगा। साथ ही साथ कहा जा रहा है इसका लॉन्च इवेंट जो होगा वो 3 बजे से शुरू होगा 14 मार्च को, तो देखते हैं। तो दोस्तों छठा अपडेट जो हमारा निकल के आ रहा है मोटो की तरफ से। मोटो का X5 कैंसिल हो गया है। X5 ही क्या, मोटो की X की सीरीज़ के जितने भी फ़ोन आने थे वो सब कैंसिल हो चुके हैं हाल फिलहाल के लिए। अब ये नहीं पता कब तक के लिए, लेकिन मोटो ने ये कहा कि उनका G सीरीज़ और Z सीरीज़ के फ़ोन ज़रूर आएंगे ही आएंगे, वो कैंसिल नहीं हुए हैं। हालांकि X5 का जनवरी में कुछ लीक भी हुआ था, फ़ोटोज़ हो सकता है, स्पेसिफिकेशन ये सब लीक हुआ था, हो सकता है उसी की वजह से शायद कराओ या कुछ कंपनी का इशू हो रहा हो, ये पता नहीं। लेकिन X सीरीज़ का अगर आप सोच रहे थे तो वो पूरा कैंसिल हो गया है और पता नहीं कब दोबारा आएगा। तो दोस्तों हमारा सातवां और लास्ट अपडेट जो आ रहा है iWoomi की तरफ से। iWoomi बहुत अच्छे फ़ोन निकलता है, आपको पता ही होगा, अभी एक दो दिन पहले उन्होंने अपना i1s का एनिवर्सरी एडिशन भी निकाला था। बहुत सस्ता फ़ोन है, 8,000 रुपये का फ़ोन है। तो ये जाने जाते हैं अपने सस्ते फ़ोन और अच्छी चीज़ों के देने के लिए। तो इन्होंने अनाउंस करा है कि ये इस साल तक 8 नए और स्मार्टफोन लाने वाले हैं। हो सकता है 2 पावर बैंक भी हो उसमें और एक आधा फ़ोन उनका iPhone X नॉच वाले के साथ भी हो सकता है। यही कहना चाहूँगा कि बस प्राइस कम हो और अच्छी से अच्छी चीज़ें दें तो ये फ़ोन इंडिया में ज़रूर चलेंगे ही चलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में वो अपना पहला 5G फ़ोन भी लॉन्च कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, iWoomi को बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। मैं चाहता हूँ और अच्छे अच्छे फ़ोन वो लॉन्च करें, सस्ते लेकिन सस्ते फ़ोन ज़रूर लॉन्च करें, क्योंकि लोगों को आजकल सस्ता ही चाहिए और अच्छा चाहिए। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताएं कि मैंने कुछ मिस करा है या मेरे से कोई गलती हुई है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।